हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हमें पता है 7 मार्च को है कक्षा 10वीं समाज विज्ञान का पेपर। तो हमने पार्ट 1 में पूरे के पूरे 4 सेट को कंप्लीट कर चुके हैं। अब आता है पार्ट 2। तो पार्ट 2 में हम कुछ अध्यायों के महत्वपूर्ण प्रश्न बतलाएंगे, तो आप उन्हें बहुत अच्छे से तैयार कर लेना ताकि पेपर में आए तो आपसे बहुत अच्छे से बन जाए। देखिए अध्याय 1 जिसका नाम है संसाधन एवं विकास, तो इसके महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हैं। इसका अति का पहला बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। अति का ये तीसरा भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद देखिए ये 7वां प्रश्न क्या है, पवन अपरदन किसे कहते हैं, ठीक है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद लघुत्तरी का प्रश्न क्रमांक पहला है, संसाधन क्या आशा है, इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है, ठीक है। इसके बाद ये वाला प्रश्न क्रमांक 6वां, जड़हूड़ और काली मिट्टी में अंतर बताइए, ठीक है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7वां, बांगर तथा खादर मृदाओं के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। इतना आप अध्याय 1 से तैयार कर लेना। अब आते हैं अध्याय 2 में, इसका नाम क्या है, वन्य एवं वन्य जीव संसाधन, ठीक है। इसके प्रश्न क्रमांक देखिए यहाँ पर अति का 6वां है, अभयारण्य किसे कहते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। इसके बाद है ये प्रश्न क्रमांक 3रा क्या है, वन्य प्राणी संरक्षण क्यों आवश्यक है, वन्य प्राणी संरक्षण के उपाय बतलाइए, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 5वां क्या है, वन्य और वन्य जीव संरक्षण में सहयोगी रीति रिवाजों पर एक निबंध लिखिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छे से आप लोग तैयार कर लेना। अब आता है अध्याय 3। अध्याय 3 क्या है, जल संसाधन। तो जल संसाधन से देखिए अध्याय 3 से कोई भी प्रश्न नहीं आने हैं, ठीक है। ब्लूप्रिंट के हिसाब से कोई भी प्रश्न नहीं आने, इसलिए इसके आई एम पी प्रश्न नहीं है। तो अब आता है अध्याय 4। क्या नाम है अध्याय 4 का, कृषि। तो कृषि में देखो ये प्रश्न क्रमांक अति का 2रा, भारत में उगाई जाने वाली मुख्य रेशेदार फसलें कौन कौन सी हैं। प्रश्न क्रमांक 4था, जूट को सुनहरा रेशों क्यों कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 7वां क्या है, नगद व्यापारिक फसलों से क्या आशय है। ये प्रश्न आप बहुत जल्दी तैयार कर लेना। इसके बाद आता है ये प्रश्न क्रमांक आपका 5, खाद्यान्न फसलों से क्या तात्पर्य है, खरीफ व रबी की फसलों में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये अंतर बहुत ही महत्वपूर्ण है, इन्हें अच्छे से आप लोग कंप्लीट कर लेना, ठीक है। इसके बाद देखिए आते हैं अध्याय क्रमांक 5, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, ठीक है। इसके महत्वपूर्ण प्रश्न क्या क्या हैं, देखिए इसका प्रश्न महत्वपूर्ण है, जो परंपरागत तथा गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन में अंतर बताइए। प्रश्न क्रमांक 7वां, और इसके बाद देखिए ये जो प्रश्न है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इन्हें आप अच्छे से तैयार कर लेना। ये वाला मानचित्र है, ये वाला जो मानचित्र है, ये वाला मानचित्र बहुत ज़्यादा मोस्ट आईएमपी है, ठीक है। तो इन्हें आप अच्छे से तैयार कर लेना। इसके बाद क्या आता है अध्याय 6, विनिर्माण उद्योग, ठीक है, जिसका नाम क्या है, विनिर्माण उद्योग। तो इसका प्रश्न क्रमांक 2रा, अति लघु का प्रश्न क्रमांक 2रा का ये वाला 2रा, ठीक है। इसके बाद ये 4था, आधारभूत उद्योग क्या आशा है, उदाहरण देकर बताइए। प्रश्न 2रा, ठीक है, प्रश्न 2रा क्या है, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के उपाय उद्योगों में अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसके बाद यहाँ पर देखिए आगे अध्याय क्रमांक कौन सा आएगा, अध्याय क्रमांक 7। तो अध्याय क्रमांक 7 क्या है, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा। तो क्या है प्रश्न क्रमांक पहला, ठीक है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक इसका 4था, अब प्रश्न क्रमांक 8वां, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, तो आप इन्हें बहुत अच्छे से तैयार कर लेना। और इसके बाद ये है राष्ट्रीय राजमार्ग व जिला राजमार्ग के बारे में बतलाइए, और प्रश्न क्रमांक 7वें का 2रा, बंदरगाहों पतन में अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है। ये वाला पर्यटन उद्योग के महत्व पर प्रकाश डालिए, ठीक है। ये जो है वो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब आए अध्याय 8 में, अध्याय 8 के देखिए, अध्याय 8 में जो है, अध्याय 8 में कोई प्रश्न नहीं आने थे, इसलिए इसमें आई एम पी प्रश्न नहीं है। अध्याय 9, अध्याय 9 का नाम क्या है, भारत में राष्ट्रवाद क्या है, भारत में राष्ट्रवाद। तो इसके देखिए आई एम पी प्रश्न, इसका प्रश्न आई एम पी पहल 2रा और 3रा, ये दोनों प्रश्न क्या है, महत्वपूर्ण है बहुत ज़्यादा परीक्षा की दृष्टि से। और ये जलियांवाला बाग हत्याकांड, और ये साइमन कमीशन पर टिप्पणी, 6वां और 7वां प्रश्न क्रमांक। इसके बाद ये है सविनय अवज्ञा आंदोलन का वर्णन की, ये बहुत ज़्यादा मोस्ट आई एम पी है, ठीक है, मोस्ट आई एम पी प्रश्न है, इसको बहुत अच्छे से यार आप लोग कर लेना। इसके बाद आता है अध्याय 10, भूमंडलीकृत विश्व का बनना, ठीक है, भूमंडलीकृत विश्व का बनना। तो इसका ये पहला प्रश्न बहुत ज़्यादा आई एम पी है, देख लीजिए आप ध्यान से।
इसके बाद आठवां प्रश्न क्या है, आयात शुल्क से क्या आशय है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसे आप अच्छे से तैयार कर लेना। इसके बाद देखिए आते हैं अगले अध्याय में, अध्याय क्रमांक 11 औद्योगिकरण का योग। तो इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न है प्लस अति का चौथा छठवां और सातवां, ठीक है, इन्हें आप बहुत अच्छे से तैयार कर लेना। इसके बाद है अति का नौवां, ठीक है, नौवां प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप इसे भी तैयार कर लेना। इसके बाद कौन सा अध्याय आता है, अध्याय 12। तो अध्याय 12 क्या है, इसमें देखिए अध्याय 12 महत्वपूर्ण प्रश्न है, पहला पंचांग से क्या आशा है, इसके बाद क्या है प्रश्न क्रमांक चौथा, ठीक है, उलमा व फतवा से क्या आशा है, प्रश्न क्रमांक छठवा वेतन क्या है, प्रश्न क्रमांक आठवा है ना कंपोजरी गैली क्या है, ठीक है, प्रश्न क्रमांक नौवा गाथा गीत से क्या आशा है। तो हमारे कहाँ तक, 12 अध्याय तक, कहाँ तक, 12 अध्याय के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।